एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा, बाबू सा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार, शक्ति का साकार रूप। मैं हूं परात्पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। अंततः बुरे ग्रह तथा बुरे व्यक्तियों की शक्ति बड़ी ही प्रबल निकली और उन्होंने सीधे साधे उमाकांत को चोर बना दिया। अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उमाकांत ने चौर्य कर्म का सहारा लिया। अब क्या होगा? क्या उमाकांत पकड़ा जाएगा? उसके पुत्र के भविष्य का क्या होगा? क्या बाबूसा भगवान उमाकांत की रक्षा नहीं करेंगे? वे अपने परम भक्त के पुत्र को भला इस प्रकार संकट में घिरा कैसे छोड़ सकते हैं? उमाकांत की भी तो बाबूसा भगवान पर धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगी है। तब भला बाबूसा भगवान उसे इस प्रकार निसहाय कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी तो कल्याण भाई पर कृपा थी, तो फिर ये अचानक क्या हो गया? उनका काम कैसे बिगड़ गया? आप तो उनके पालनहार रहे हैं, वो आपके भक्त है, आज भी उनकी आप पे श्रद्धा है, उनका कल्याण करें। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप उन लोगों पर भी कृपा करें जिनको कल्याण भाई के कारण दुख पहुंचा है। मंजू, बाबूसा भगवान की जय हो, तुम्हारी कीर्ति बनी रहे, कल्याण भाई सेठ का दुख दूर करे। तुम्हारी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली है, तुम जिसके लिए भी प्रार्थना करोगी उसका कल्याण होगा। आप धन्य है बाबूसा भगवान। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण हो पवन पुत्र। उमाकांत ने तो बाबूसा के एक भक्त के साथ छल किया, इस घृणित कर्म के कारण तो उसके जीवन की गति परिवर्तित हो जाएगी। आपका कथन सर्वथा सत्य है ज्ञानवंत। उमाकांत का ये कर्म उसके जीवन की गति पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। उसके इस कर्म के कारण उसके परिवार का जो तिरस्कार होगा, उसके बारे में सोचकर ही मेरा मन व्यथित हो रहा है। और इस सब के पीछे बाबूसा का वो भक्त है कल्याण मन। अभी तक उमाकांत चोर नहीं है देवऋषि, किंतु यदि उस पर दया न की गई तो वो चोर अवश्य हो जाएगा। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं पवन पुत्र? देखिए देवऋषि, उसकी बाबूसा के प्रति भक्ति तो देखिए, इसने धन को भूमि पर रखा है और बाबूसा की प्रतिमा को, उनकी छवि को अपने शीश पर उठाए हुए है। इसकी ये देव श्रद्धा बताती है कि ये संत है देवऋषि, संत। प्रणाम बजरंगबली। प्रणाम देवऋषि। आइए बाबूसा, देवऋषि से आप ही के भक्तों के बारे में चर्चा हो रही थी। हम जानते हैं वो धन से अधिक
हमें महत्व दे रहा है। नारायण नारायण, अब देखते हैं कि इसकी भक्ति और आवश्यकता में से किसकी विजय होती है। कृपा रही तो सब इंतजाम हो जाएगा। बाबूसा की कृपा होगी? अरे आप तो गए थे सेठ जी से पैसा लेने, अभी आप बाबूसा की कृपा की बात कर रहे हो। 3 दिन से वो कह रहे हो कि हो जाएगा, आखिर कब तक होगा? मैं भागते भागते बहुत थक गया, कल बात करते, अब सो जाता हूँ। कुछ तो बोलिए ना, कल क्या होगा, कैसे जाएगा हमारा बच्चा? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा करिए, आप ही लेके जाइए। अरे कुछ नहीं होगा इनसे, इन गहनों से कुछ नहीं होगा। देखो 6 लाख रुपए, मतलब समझती हो तुम, मेरी 2 साल की पगार है 6 लाख रुपए। ये तुम्हारे इन गहनों से क्या 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 मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। रखो रखो रखो। अरे ये तो बताइए सेठ जी ने क्या कहा? उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, मैं मिल लूंगा उनसे। कल कैसे हमारा बच्चा जाएगा, कल क्या होगा? इन पैसों का क्या करूं? क्या ऐसे पैसे से बेटे का जीवन आरंभ करना ठीक होगा? हे बाबूसा भगवान, आप तो सबके दुखों को दूर करते हैं, आप सबको सही रास्ता दिखाते हैं, मुझे भी सही रास्ता दिखाइए। सब संभल के करना, और कोई कुछ भी कहे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना। हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लेना, ठीक है? अब किसी भी तरह की कोई चिंता मत करो पापा, आप जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बस। ठीक है, आप निश्चिंत होके जाना, ठीक है? हाँ। बेटा चलता। क्या कह के गए? ओहो माँ, बात बात पे परेशान हो जाती, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बाप बेटे ना एक से बढ़कर एक हो, पता नहीं कल सेठ जी से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। हे बाबू, कल्याण से ठीक ही हूँ। कनकपुर सेक्टर नंबर 6, एक शोरूम से चोर 5 लाख का माल लेकर उड़ गया। चोर सीसीटीवी में कैद है। शोरूम के मालिक कल्याण भाई ने कहा है चोर की पहचान कर ली जाएगी, पर उनका कहना है कि चोर की जान और इज्जत की खातिर वो इस सीसीटीवी फुटेज को कभी रिलीज नहीं होने देंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। सेठ जी, आप एक मामूली से चोर के लिए इतने परेशान हो रहे हैं,
ये आप नहीं समझेंगे। यदि वो चोर है तो मैं महाचोर हूं। किसी बात कर रहे हैं आप सेठ जी? ये आप नहीं समझेंगे। फिर कानून तो अपना काम करेगा ही, हम उसे बहुत जल्दी ढूंढकर हवालात में बंद कर देंगे। आज उसने आपका माल उड़ाया, कल किसी और का माल उड़ाएगा, उसे रोकना ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। भाई मेरे, हेलो हेलो, कोई बात नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है, अब बाबूसा भगवान जो चाहेंगे वही होगा। उमाकांत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उसका मन तो देखो, उस पर ये मेरी भक्ति का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति असहाय हो जाता है तब वो धर्म का रास्ता छोड़ देता है। यह हर प्रकार से असहाय होकर भी उमाकांत ने सच्चाई की सच्चाई को नहीं छोड़ा, धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ा रहा, अंत में इसकी अच्छाई की जीत हुई। देखो वो कहीं छिपा नहीं, कुछ छिपाया भी नहीं और नहीं छिपाएगा। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। सेठ जी संभालिए अपने चोर, ये पैसे लेके भाग गया था और खुद ही अपने पास आ गया, इसलिए इसे लेकर मैं आपके पास आ गया। जय श्री बाबूसा भगवान। मुझे माफ कर दो उमाकांत, मैं जानता हूं ये सब तुमने मेरी वजह से किया है, असल में गलती मेरी है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने जिस थाली में खाया उसी में छेद की। मैंने आपके पैसे तो लौटा दिए लेकिन मैंने आपके यहां से और एक चीज चुराई है, लेकिन चोरी का एक सामान मैं अपने हाथों से नहीं लौटा पा रहा हूं, आप मेरे घर से मंगवा लीजिएगा। लेकिन और कुछ तो चोरी नहीं हुआ है? चोरी मैंने की है सर, मुझे पता है मैंने क्या चुराया है। मैंने आपके यहां से भगवान बाबूसा की तस्वीर चुराई। सेठ जी आप अपने पैसे ले लीजिए, मैं इन्हें थाने ले जाता हूं, चलिए। ठहरो, मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूं और मेरी आपसे एक बेनती है, आप उमाकांत को छोड़ दीजिएगा। असल में इसे चोर मैंने बनाया, ये मेरी ही गलती है। मुझे अब याद आ रहा है पिछले एक महीने से मैं ये जो धक्के खा रहा हूं वो सब मेरा ही पाप है। मैंने एक नए बुरे मैनेजर की सलाह से मेरे पुराने और भरोसे के 8 आदमी को निकाल दिया, ये उसी का दंड मैं भुगत रहा हूं।
मेरा धंधा भी बिगड़ गया, अब मकान को जाने नहीं। सेठ जी ऐसा होता नहीं जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं इसे छोड़ रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं चलता हूं। हेलो उमाकांत, तुम्हें पुलिस ने और कानून ने छोड़ा है, मैंने नहीं। तुम्हें एक बार खोकर फिर से पाया है, अब न जाने दूंगा। आपने उचित कहा था कि मैंने कहीं किसी का अहित तो नहीं किया था। मैंने इनका और इनके साथ सात और लोगों का अहित किया था, लेकिन अब मैं इनकी सारी मांगें पूरी कर रहा हूं। ये लीजिए और कल से काम पर आ जाइए। मैं तो रोज काम पे निकलता था सेठ जी। मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताया था कि मेरे सीधे सरल भगवान बाबोसा के भक्त कल्याण सिंह जी ने मुझे काम पे से निकाल दिया। उमाकांत जी, आपको पैसे लेकर छिपना ही था तो कहीं और जाके छिपते। वहां बाबूसा के भक्त के घर पे, वो भी जिस कमरे में मैं ठहरी थी, वहां छुपने की क्या जरूरत थी। जानते हैं किस लिए? क्योंकि आप पर बाबूसा भगवान की कृपा है। वो नहीं चाहते कि आप चोर बने। मतलब आपने मुझे वहां देख लिया था? आपके सर पर बाबूसा भगवान की फोटो देखकर मैं समझ गई थी कि आप पर बाबूसा भगवान की कृपा बरस रही है। कौन चोर होगा जो भगवान की फोटो चुराएगा? आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए, मैं आपको ताती बांध देती बाबूसा भगवान की मूर्ति। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। पापा नहीं आए, शोरूम में फोन करना। मम्मी, वो मेरे कर्मवीर पापा हैं, पैसे लेके जरूर आएंगे। तुम्हारी गाड़ी का वक्त हो रहा है और समय भी निकला जा रहा है, मेरा तो जी घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं देख। लो पापा आ गए। कहाँ रह गए थे? अरे भाई सब्र करो, बता रहा हूँ। भाई पैसों के इंतजाम के लिए गया था। ये तुम्हारे फीस के 6 लाख रुपए। अब मन लगा के पढ़ो और इंजीनियर बनो। अरे आपने बताया नहीं कि पैसे कहाँ से मिले? मम्मी आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि आप इंस्पेक्टर हो और पापा चोर। चोर तो मैं हो ही गया था बेटा, अरे बताइए ना कैसे मिले? ये बाबूसा भगवान की कृपा रही, उन्होंने कल्याण सेठ से मुझे पैसे दिलवा दिए। चलो अपने अपने हाथ दो, चलो 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 अपने हाथ दो।
करो बस, जैसी मेरी लाज रखी सबकी रखी। अगर कोई भूल हो तो दंड देना, साथ ना छोड़। मेरे पालनहार करता हो, कहां तुम्हें छोड़ के इधर उधर भटक रहा था। हे प्रभु, तुम्हें करुणा निधान, तुम कुछ भी कर सकते हो प्रभु। तुम राई को पर्वत और पर्वत को राई बना सकते हो। बाबोसा भगवान की जय, बाबोसा भगवान की जय, बाबोसा भगवान की जय, बाबोसा भगवान की जय। दुख का रास्ता कितना भी बड़ा हो, सुख की मंजिल तक पहुंचा ही देता है। इसीलिए निरंतर चलते रहना ही जीवन में सुख तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है।